गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में। वृंदावन के मशहूर महाराज प्रेमानंद जी, जिनके दरबार में दूर दूर से, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, आज उनके पूरे जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी के परम भक्त श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक आखिरी गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे तथा माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। इनके पिताजी और दादा दोनों ही सन्यासी थे। इनके अलावा इनके एक बड़े भाई भी सन्यासी थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिनको वे रोज पूरा परिवार बैठकर सुना करता था। महाराज जी, उनका स्वभाव सबसे अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव में था। बचपन से ही मंदिर जाना, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। जब प्रेमानंद महाराज जी 5वीं की कक्षा में थे, गीता और सुख सागर पढ़ना आरंभ कर दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय किया था। उनके लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार थे। महाराज जी के मन में बचपन से ही एक सवाल उठता था कि आखिर इस दुनिया में मेरा अपना कौन है, क्योंकि ये सब एक दिन खत्म हो जाना है। चाहे वो रिश्ते हो या कोई वस्तु, सब यहीं छूट जाना है। महाराज जी इन सवालों को लेकर मन ही मन चिंतन करते थे। इस प्रश्न का हल बहुत बार महाराज जी ने अपने गुरु और माता पिता से पूछा, मगर इसका कोई उत्तर नहीं दे सका। इसके पश्चात महाराज जी ने इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए 13 वर्ष की आयु में एक दिन घर छोड़ दिया। इसके बाद महाराज जी ने संन्यास लिया और इधर उधर घूमते रहे। महाराज जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब वो अपना ज़्यादा समय अकेले और तपस्या में ही दिया करते थे। भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे और कई कई दिनों तक उपवास करते थे। हमेशा भगवान के सत्संग में मगन रहते थे। प्रेमानंद जी के शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर उन्होंने अपना साधारण जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास से वही स्वीकार किया जो उन्हें भगवान का दिया मिला था, और किसी भी चीज़ की उम्मीद ना रखना वो हर किसी से कहते थे। महाराज जी को भिक्षा में जो भी भोजन मिल जाता था उसी को खा लेते थे और भोजन की उम्मीद भी नहीं करते थे। श्री महाराज का उनका अधिकांश समय गंगा के किनारे पर ही बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम की जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उन्होंने गंगा नदी को ही अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने काशी बनारस गंगा नदी के किनारे ही अपना ज़्यादा समय गुजारा। महाराज जी दिन में 1 घंटे घाट पर बैठकर भिक्षा मांगा करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर जीवन व्यतीत करते, महाराज जी बताते हैं। कई कई दिनों तक उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था, तब ये गंगा जल पीकर ही रहा करते थे। महाराज जी की दिनचर्या फिर भी नहीं बदलती थी। फिर चाहे जितनी भी ठंड हो या गर्मी क्यों ना हो, वो दिन में 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। कई वर्षों तक तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। एक दिन काशी घाट के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें भगवान भोलेनाथ का एहसास हुआ। और वो कहते हैं कि उन्हें आशीर्वाद से तभी से महाराज श्यामा श्याम श्री जी की कृपा की प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने रासलीला जैसे कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला की। उनकी दिनचर्या चैतन्य महाप्रभु और श्यामा जी की रासलीला को देखना था। धीरे धीरे वो इतने मगन हो गए कि उन्होंने राधा रानी की खोज में निकल पड़े।
कुछ समय बाद वो अपने गुरु की इच्छा से वृंदावन आए। वो नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए ही घर हो जाएगा। अब वो यहाँ आकर वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ मंदिर में ही रहते थे और उन्हीं को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उनके अर्थ को नहीं जान सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला, परंतु महाराज जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी पहले नहीं किया था। परंतु दूसरे दिन जब वह परिक्रमा करने के लिए निकले तो बताते हैं स्वतः ही उन्होंने हरिवंश जी का जप करना शुरू कर दिया था। फिर वे उनकी लीला में इतने मगन हो गए थे कि वृंदावन में सर्दियों के मौसम में भी वो परिक्रमा करते थे। जब वृंदावन में सर्दियों के मौसम में महाराज जी परिक्रमा करते थे, तब उनके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे। ठंड से बचने के लिए वे फटे पुराने बोरे ओढ़ लिया करते थे। मगर ऐसा करते करते महाराज जी को बहुत साल बीत गए। जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा कर लिया करते थे। महाराज जी खुद बताते हैं, जिस दिन से वो वृंदावन आए उन्होंने प्रत्येक दिन वहाँ की परिक्रमा की। श्री प्रेमानंद जी महाराज पर राधा रानी की असीम अनुकंपा है और फिर वो वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं गए। बताते हैं पिछले 7 वर्षों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, इसके पश्चात भी महाराज जी वृंदावन की प्रत्येक दिन परिक्रमा आज भी करते हैं। श्री राधा रानी की कृपा से आज वो देश विदेश में जाने जाते हैं और उनके पास उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। महाराज जी अपने ज्ञान और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनके पास जो भी भक्त आता है वे उसका सम्मान करते हैं। आज के समय में लोग उन्हें पीले बाबा के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रहते हैं और उनका पता है श्री हित राता केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग में है, ये बराह घाट के पास। जो भी लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस पते पे जाकर मिल सकते हैं।